नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने कुछ नए विचारों को साझा करने के लिए। तो आज का जो मेरा विचार है, प्रेरणा, कि हमें अपनी ज़िंदगी में प्रेरित रहना चाहिए तो ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर रुकेगी नहीं और बहुत अच्छे परिणाम जो है वो हमें मिलेंगे। तो प्रेरणा शब्द का जो अर्थ है, प्रेरणा मीन्स हमने आपस में एंथुसिज्म रखना है, तो उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। प्रत्येक मनुष्य जो है हर मोड़ पर किसी ना किसी से प्रेरित रहता है, कोई अच्छे रूप में या कई बुरे रूप में। कभी कभी आपने माता पिता को सुना होगा कि जब बच्चा घर में कोई शरारत करता है तो क्या कहा जाता है, ये पक्का आज वो फलाने बच्चे से मिल के आया होगा, ये सब चीज़ें वो करता है उससे सीख के आया होगा। तो वो क्या है, वो प्रेरणा है, क्योंकि हमें बुरी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। इसी तरह से अच्छी चीज़ें हैं, जब हम लोग किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है हमें भी ये सब करना चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना है। तो जब किसी अच्छे बच्चे को देखकर किसी अच्छे बच्चे में अच्छी भावना आती है तो माता पिता भी कहते हैं अरे उस बच्चे को देख ले, वो कितना पढ़ता है, थोड़ा सा उसी से कुछ सीख ले, वो भी तो तेरी तरह का ही बच्चा है। तो वो एक प्रेरणा है, इससे प्रेरित होने के लिए हमारे कार्य, उद्देश्य, संकल्प, तमाम प्रकार के जो व्यवहारिक गुण हैं वो इससे निर्धारित होते हैं। मनुष्य ने जब सफलता प्राप्त करनी है तो उसके भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी वो किसी कार्य को कार्यान्वित कर पाएगा, प्रेरित होगा तभी कर पाएगा। जब हम प्रेरित होंगे तो हमारा जो आंतरिक ऊर्जा है वो और प्रेरित होगी बाहरी प्रेरणा से। बाहरी प्रेरणा तो क्या है, हम किसी को देख कर आए, अच्छा हम भी ये कर सकते हैं, उसमें ऐसा क्या है, पर वो सिर्फ बाहर तक रह गई। जब तक हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं डालेंगे कि हमें हर हाल में अगली बार वो चीज़ हमें भी अचीव करनी है, उसकी सारी जिस बंदे की अचीवमेंट्स हैं वो एनालिसिस करनी है कि उसने किन परिस्थितियों में उनमें जीत पाई, उसमें ऐसा क्या है, वो एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य वो ऐसा क्या कर रहा है ज़िंदगी में कि वो ज़िंदगी की इतनी बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, उसके क्या सरकमस्टांसिस से। या कई बार हम मन में सोचते हैं यार ये तो बड़ी छोटी सी फैमिली से था और ये बड़ा ऊंचा पहुंच गया। तो हमें सिर्फ एक चीज़ को, पहलू को नहीं रखना, जब हमने प्रेरित होना है, प्रेरणा लेनी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और व्यक्ति को कई बार क्या है, नुकसान के बदले में फ़ायदा अधिक नज़र आता है, तो वो भी उसके लिए एक प्रेरणा का जरिया बन जाता है। अब प्रेरणा कैसे प्रभावित करती है एक व्यक्ति को, दो प्रकार की होती है, एक तो बाहरी प्रेरणा, दूसरी आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा का कोई स्वरूप नहीं है, आज हमें एक बंदा मिला, हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और हमने सोचा कि हम इसकी तरह बनेंगे। वो जितनी देर तक हमारे कॉन्टैक्ट में रहा, हम उसके चीज़ों से, उसके मूल्यों से, उसके गुणों से, उसके रूप रंग से प्रभावित होते रहे। ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि जब तक कोई आंखों के सामने है या बातचीत हो रही है तो ही उसके व्यवहार का प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। पर जब वो जैसे जैसे वो इंसान हमारे से दूर होता है तो उसके जो करैक्टर है, रूप रंग है, वो उन सब चीज़ों का धीरे धीरे करके असर होना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। तो दूसरी है आंतरिक। जब आंतरिक प्रेरणा जो है वो कब बनेगी, जब हमारे पास कोई बाहरी प्रेरणा थी, हमने वो बाहरी प्रेरणा देखी, हमने उसको, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना है, उसके लिए हमें अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, अपने आंतरिक ऊर्जा को जगाना पड़ेगा, आंतरिक आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा, अपने आप को अंदर से आंदोलित करना पड़ेगा कि हमें ये सब चीज़ें करनी है। वो कब होंगी, जब हम खुद को अपने आप से प्रेरणा देंगे। प्रेरणा कभी किसी के देने से नहीं आएगी। टाइम बीइंग आपको बाहरी प्रेरणा मिल सकती है, पर अगर हमें अंदर से अपने आप को जागृत करना है तो वो हमारे सिवाय कोई तीसरा इंसान आकर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें, मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बोलती हूँ कि हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, सब अवलोकन की बड़ी ज़रूरत है। तो आज ये प्रेरणा वाले चैप्टर में भी, प्रेरणा वाली वीडियो में भी मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की प्रेरणा को जागृत करना है तो हम ज़िंदगी की किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है।
जब हम किसी बाहर किसी व्यक्ति को सफल देखते हैं तो कई बार हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे ऊपर बड़ा तनाव हो जाता है, हम बड़े टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार सोशली प्रेशर होता है, ले देख वो तेरे साथ का था, वो कहाँ बढ़ गया, तू वहीं का वहीं पीछे रह गया। तो वो हमारे अंदर एक मानसिक दबाव भी पैदा करता है, जिससे हमारे अंदर एक डिप्रेशन, हीन भावना, वो सब चीज़ें आती हैं, जिससे हमारी जो कार्य क्षमता है और रचनात्मकता है उसमें भी हमारी जो है गिरावट आती है। वहीं जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, अगर वो स्थायी रूप ले ले तो उसमें जिम्मेवारियों का जो कार्यान्वयन है वो भी बड़े अच्छे से होता है और स्वीकार्यता भी बड़ी बढ़ती है। जिम्मेदारियां व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर पोषित करती हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। जिस व्यक्ति, जिस इंसान के ऊपर जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं वो कितनी देर तक भागेगा, अल्टीमेटली तो उसको पूरा करना ही है। तो इसलिए नकारात्मक प्रेरणा जो है नहीं लेना, हमें सकारात्मक प्रेरणा अपनी ज़िंदगी में लेनी है। तो प्रेरणा के कार्य क्षमता के साथ साथ ही हमारी सोच में भी बदलाव होता है। तो आंतरिक प्रेरणा जो है व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है और मनुष्य की आत्मा से ही ये सकारात्मकता का संचार होता है। और जब हमारी सोच में बदलाव आता है तो हम अपने आलसपन को छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को में एक ऊर्जा से भरे हुए लगते हैं। तो हमें साथ साथ जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको भी ज़िंदगी में से दूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, यार वो जो बंदा था ना उसने बड़ी मेहनत करी, देख वो आज कहाँ पहुँच गया, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसकी तरह इस तरह से कार्य करूँ। तो दूसरा जो साथ में हम जिसके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं वो कहते हैं, छोड़ यार उसके घर की अलग परिस्थितियाँ थी, तेरी थोड़ा है, तेरे पास तो बहुत पैसा है। पर हमें अपने एक अंदर का जो जुनून है वो जगाना पड़ेगा। वो जुनून जगाने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें बेफिक्र रहना है, लापरवाह नहीं रहना। ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों में अंतर है। बेफिक्र रहना है, लापरवाह नहीं होना और प्रेरित रहना है, नकारात्मक प्रेरणा से दूर रहना है। जब हम नकारात्मक प्रेरणा से दूर रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ऊंचाइयों को छूती है। जैसे हम खूब मेहनत करते हैं और हमें सफलता मिल गई, उसके बाद हम लापरवाह हो जाते हैं, क्यों भैया हमें एक बार तो सफलता मिल गई, अब तो हमारे ऊपर टैग लग गया, हम विनर हो गए। पर अगर हम उस सफलता को, हमें ये नहीं पता कि हमारी उस सफलता को देखकर कितने लोग अंदर से प्रेरित हुए और वो हमारे से डबल मेहनत करते हैं। छोटे होते देखिए, जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो अगर मैं 140 पे फर्स्ट आई तो दूसरे बच्चे का 139 पे सेकंड आया या 138 पे सेकंड आया तो दूसरा बच्चा कहता है अगली बार इसको मैं एक नंबर लेने नहीं दूंगा, और जो जिसका 140 आया वो कहता है मैं तो विनर हूँ, मैं हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आता हूँ तो मेरे को ये क्या हराएगी। पर जब वो एक नंबर जिसका कम आया वो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आया तो उसके अंदर वो ज्वाला कितनी भड़की होगी, कितना उसके ऊपर प्रेशर होगा। तो उसने अगली बार चौगुनी ताकत से मेहनत करी कि मुझे वो एक नंबर से भी पीछे नहीं रहना। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, बेफिक्र बनिए, लापरवाह मत बनिए, प्रेरित रहिए और अपना जो कार्य है अगर आपको सफलता मिल भी गई है तो उसको छोड़िए नहीं। सफलता पे जब तक आप निरंतर रूप से कार्य नहीं करेंगे वो आपके साथ टिकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये किसी की बपोती नहीं है। सफलता उसी के पास रहेगी जो निरंतर उसमें सुधार करता रहेगा, उसमें कार्य करता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रेरित रहना है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को हमेशा चार्ज रखना है, हमेशा ऐसा रखना है कि हमें किसी कार्य में कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें पीछे नहीं हटना। जो बेफिक्री का मतलब है कि हमें चिंताग्रस्त नहीं होना, तो हमें चिंता तो नहीं रखनी पर लापरवाह भी नहीं होना। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो जब क्या है कि जब हम जैसे आज की पोजीशंस बन रही हैं, हम कहें नहीं नहीं कोरोना के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, पर हम अगर लापरवाह हो गए और हमने लोगों को अपने घर आने जाने दिया कि नहीं भी ऊपर वाला बैठा है वो हमारा करेगा, तो क्या होगा, हमारी बेफिक्री ही हमें, हमारी लापरवाही हमें ले डूबेगी। तो हमें ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखकर
बेफिक्र तो होना है पर लापरवाह नहीं होना। जो जो चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में सिखाई गई हैं उन सब का पालन करना है। सफलता हमारे से कहीं कहीं दूर नहीं है, वो हमारे दरवाज़े पे आकर इंतज़ार कर रही है कि कब ये दरवाज़ा खोले तो सही, कभी अपने अंतर मन की ऊर्जा को खोले तो सही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, मैं फिर से अपना एक दोहराऊंगी, बेफिक्र बनिए, प्रेरित रहिए पर लापरवाही बिल्कुल मत करिए। तो रिटर्न फॉर्मेट में अच्छे विचार पढ़ने के लिए आप DR.RENU पे जा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू। Thank you.